हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक आपको टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है इस तरह के टॉपिक क्यों लाती है, कहाँ से लाती है, या फिर ऐसे टॉपिक ये शेयर क्यों करती है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मेरे साथ होता है मैं वही शेयर करती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ या मुझे कोई ऐसी नॉलेज नहीं है मेडिकल लाइन में कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। जो रियल लाइफ में हमारे साथ होता है मैं वही शेयर करती हूँ। और ये शेयर करने की मुझे जो कहते हैं ना कि आप क्यों शेयर करते हो, मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं पहले जाती थी डॉक्टर के पास तो उतनी मुझे नॉलेज नहीं होती थी। फिर मैंने एक एक टर्म निकाल के सर्च करना देखा, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, तो उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिलने लगी कि मैं वो जो है एग्जैक्टली पता कर पाऊँ कि कहीं कोई मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा या फिर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है, और है तो उस टेंशन के लिए हमें क्या अगला स्टेप उठाना है ताकि वो करेक्ट हो। तो इस तरह से मुझे जो ये इस तरह की वीडियो हैं बनाना पसंद भी है, प्लस मैं चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि जब हमें कुछ होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं डॉक्टर्स। कई जगह ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है, और हम सोचते हैं कि क्या करें आखिर। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था HSG के बारे में, मेरा टेस्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मुझे फिम्ब्रिल ब्लॉकेज था दोनों साइड में ट्यूब्स में, ठीक है, और हाइड्रोसेल्फिंग्स था। तो ये टॉपिक अलग है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बट वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, समझ सकते हो आप, IVF वाला। बट मैं उस चीज़ के लिए मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे नहीं अभी नहीं करना, अभी एज क्या हुई है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं, ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज की, योगा वगैरह किया मैंने, देन मैंने नेक्स्ट मंथ जो है कंसीव कर लिया, ठीक है, मतलब पीछे गया हुआ मंथ। कंसीव करने के बाद मेरे को नहीं था यकीन कि ऐसा कुछ है कि मैं कंसीव कर सकती हूँ। तो मुझे क्या था कि 26 अप्रैल से मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ, सिरप वगैरह पी रही हूँ, तो कभी कभी गर्मी से भी हो जाता है, क्या पता हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो। इस तरह से चलते चलते ऑलमोस्ट 11-12 दिन हो गए। फिर मुझे हल्का सा पेट में दर्द हुआ, बट हम जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद तो बेसिकली हम गए डॉक्टर के पास और वहाँ पे जो है चेक हुआ, तो रिज़ल्ट जो था वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने टाइम से मुझे ब्लीडिंग हो रही है। पहले तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं समझ गई थी उसी टाइम पे। तो मुझे कोई उतनी ज़्यादा होप नहीं थी, बट ये था कि वो पॉजिटिव आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे, ठीक है, जब मैं प्लान कर रही हूँ। सो जैसे ही पॉजिटिव आया मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो क्लियर पॉजिटिव है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम फटाफट अभी के अभी एक अल्ट्रासाउंड कराओ, TVS देखते हैं उसमें क्या निकलता है। मैंने कहा ओके। तो TVS कराया। अब TVS कराने के बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ सैक नहीं दिखा, ठीक है। तो सैक नहीं दिखा तो ठीक है, मैंने डॉक्टर से कई सारे क्वेश्चंस किए कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। तो जो TVS कर रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आता है, लाइक आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर आपको एक टॉपिक हो सकती है ऐसे करके। तो अगर केमिकल है तो अब तक इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक ब्लड टेस्ट करा दो। मैंने कहा ओके। तो ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें भी आ गया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये केमिकल तो बिल्कुल नहीं है, ये है एक टॉपिक प्रेगनेंसी आपकी, क्योंकि आपके HCG जो है, फिर जब रेगुलर HCG होने लगे मेरे तो उन्होंने कहा कि आपके HCG बढ़ रहे हैं, ये एक गलत साइन भी है और एक पॉजिटिव भी है, क्या पता हम 2 वीक रुक जाएं फिर टेस्ट करें। बट फिर जब 1 वीक हम रुके उसके बाद वो HCG तो जो थे वो जैसे नॉर्मली बढ़ते हैं ना उस तरीके से नहीं बढ़ रहे, तो वो एक टेंशन वाली बात थी कि क्यों नहीं बढ़ रहे। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ऐसा ना हो कि मेरे ट्यूब में कुछ रैप्चर हो जाए और वो ट्यूब मुझे निकालनी पड़े, तो बेटर है कि हम सेफ ऑप्शन लेके चलें और उसको जो है अभी के अभी कर दें, ठीक है। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं फिर भी, बहुत अच्छी डॉक्टर मिली मुझे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं फिर भी 1 वीक तो और वेट करूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए।
फिर दोबारा HCG हुआ एंड देन उसमें भी क्या हुआ कि थोड़ा सा और बढ़ गया। तो डॉक्टर बोले कि अब ये टेंशन वाली बात है क्योंकि TVS में नहीं दिख रहा है, बार बार हम TVS कर रहे हैं कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ऑल्दो उन्होंने मेरा पूरा जो टमी एरिया है, लिवर वगैरह सब चेक कर लिया, कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम 1% औरतें ऐसी होती हैं जिनको कहीं और बेबी चला जाता है तो अगर उन्हें ब्लड सप्लाई होता है तो वो जन्म ले लेता है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम कोई भी चांस ऐसा नहीं देखना चाहते कि बाद में हमें पछताना पड़े। मैंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर मेरे से ज़्यादा उनसे रोकती, तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे करते करते फिर मुझे लास्ट फ्राइडे को, आज भी फ्राइडे है, तो 1 वीक पहले क्या हुआ कि पेन हुआ, फास्ट रखा मैंने, फास्ट रख रही हूँ मैं आजकल, तो मुझे पेन हुआ, तो मुझे एक सडन पेन हुआ शार्प। मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो रहा, और थोड़ा सा चक्कर जैसा फील आने लगा मुझे, ठीक है। सो मैंने इनको बोला कि अब हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, मैंने तुरंत उनको टेक्स्ट डाला, उन्होंने कहा ठीक है मैं हॉस्पिटल में हूँ आप लोग आ जाओ। तो हम गए, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो एक बार और TVS करा लो। फिर हमने TVS कराया बट कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है, मतलब मिल नहीं रहा था सैक वगैरह कहीं पे। और ट्यूब हम ऐसे चेक नहीं कर सकते कि लाइक हम अल्ट्रासाउंड से या TVS से कर लें, बस एक अजम्पशंस होते हैं कि वो वहाँ नहीं है तो कहीं और होगा, और वहाँ के यूट्रस के अलावा कहीं और अगर वो होता है तो मतलब कि आपको एक टॉपिक है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। जनरली 6 वीक में आपको हार्ट बीट वगैरह फाइंड हो जाती हैं, बट ऐसा मेरे में नहीं हो रहा था, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन दिए कि या तो आप वेट करो तो ट्यूब रैप्चर होगी तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज एक इंजेक्शन आता है उसको लगवा लो तो जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी नहीं, और वो नेक्स्ट मंथ जब आपको मंथली साइकिल आएगा तो उसमें जो है वो निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है ये ज़्यादा बेटर है। तो मैंने उनको कहा कि तो उन्होंने कहा फिर कि आपको जो है उसके लिए एडमिट होना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। अब कोरोना का टाइम है एक तो, और इस टाइम पे एडमिट होना मतलब थोड़ा सा डर लगता है। मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, कोरोना के पेशेंट यहाँ एंटर ही नहीं हो रहे हमारे यहाँ, बाहर से ही बाहर जा रहे हैं वो लोग। मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग एडमिट हो गए। उन्होंने कहा आपको पहले एक इंजेक्शन देंगे, एक इंजेक्शन होने के बाद अगर HCG कम होने लगता है तो फिर आपको सेकंड नहीं देंगे, जनरली 2 डोज में ठीक हो जाता है, बट मेरा में एक इंजेक्शन लगा और मेरा जो लेवल थे वो कम होने लग गए। तो उन्होंने कहा एक दिन बाद आप डिस्चार्ज ले लो और घर जाओ रेस्ट करो, बस और कुछ नहीं। बट उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि कभी किसी को होप नहीं हारनी चाहिए, जहाँ एक डॉक्टर ने आपको बोला था कि नहीं सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वहाँ आप प्रेगनेंट हुए और नेचुरली प्रेग्नेंट हुए, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी और रोना भी आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हो जाना चाहिए था, इस तरीके से मन में बैठता है। फिर वही बाद एक साइड में मेरे कपल था जो बाद में आया, नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत अपसेट हो गई थी, मैंने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट घर वालों ने बहुत हिम्मत दी कि नहीं आपको इतना नहीं हताश होना चाहिए, आराम से जियो, लाइफ है, कुछ तो होगा लाइफ में, अच्छा होना होता है तो वो किसी भी तरीके से हो जाता है। कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मैंने सुना है अपनी ट्यूब्स खो देती हैं, या फिर वो सब छोड़िए, मेरे साइड में जो थी ना लड़की वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और 3 महीने से वो वेट कर रहे थे, खुश हो रहे होंगे कि भाई बच्चा होगा बच्चा होगा, और फर्स्ट उनका प्रेगनेंसी था। बाद में वो आए थे DNC कराने के लिए सिर्फ इसलिए कि हार्ट बीट फाइंड नहीं हुई थी। तो उनको रोता देख के मुझे ऐसे लगा कि यार मेरा तो फिर भी अभी का है, ठीक है, और मुझे उसका कुछ, तो मुझे यही लगा कि यार मेरा तो फ़िलहाल अभी का है, तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इनको कितना दुख हो रहा होगा। तो मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है कि अगर जब आपको अपना दुख ज़्यादा लगने लगे, मेरे घर वालों ने भी यही कहा कि जब आपको अपना दुख ज़्यादा लगे ना तो दूसरों का दुख देखो आपको कम लगने लगेगा। सो मैंने कहा कि ठीक है भगवान सबको सब कुछ दे और कभी ना कभी ज़रूर कुछ होगा, और नहीं भी होगा तो मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि आपके लिए फिर उससे बड़ा कुछ अच्छा लिख रखा होगा। सबको होप होती है इस चीज़ की एक टाइम आने के बाद, और हमारा भी अब तक पढ़ाई वगैरह ये सब चल रहा था तो कभी सोचा नहीं, बट इस ईयर प्लान किया और इस ईयर ही हमें पता लगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो चल रहा है, मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मेंटली ये होता है कि नहीं
एक ही बार ये सक्सेस हो जाए फिर मैं शेयर करूँगी, बट सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है तब नहीं कर पाई, तो अब सही सब ठीक होने के बाद तो प्रॉपर मुझे लग रहा है 1 वीक से ज़्यादा हो गया। मेरा लास्ट वाला ब्लॉग जो था आपने देखा होगा साड़ी में जो था, उस टाइम पर भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, बट डॉक्टर के पास जाने के बाद पता लगा कि हाँ आप थे ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें रोना धोना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दुख हुआ था, तबीयत भी ख़राब हुई थी, बट नाउ सब नॉर्मल है। अगली टाइम के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और बस खुश रहिए। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अब मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने ये कैसे किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने लाइफ में आपको चेंज करनी चाहिए, और मैं रिकमेंड करूंगी हीना हेल्थ करके एक चैनल है, आप उस चैनल पर ज़रूर जाइए। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताती हैं आपको कि एक तो आपको होप आएगी, ठीक है, प्लस आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। जैसी वो बातें बताती हैं आप पॉजिटिव सोचोगे, और उनके जो चीज़ें हैं ना बताने की कि क्या क्या वो बता रही हैं, अगर वो 20 बातें बता रही है ना, आप उसमें से 3 बातें फॉलो करो, आपको पक्का असर दिखेगा किसी भी तरह का। और प्लस आप अपने डेली रूटीन से, मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था कि क्या क्या चीज़ें कट करनी है आप कट कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो बिलीव हुआ कि हाँ अगर मैं वो सब करूँगी तो नेचुरली भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आज का वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। अगर इस बारे में कोई और सवाल है तो मुझसे अगले कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं अगले ब्लॉग में उसे अपडेट कर सकूं। और बस आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए, घर में रहिए, अगर काम है तो ही बाहर जाइए, अदरवाइज़ अपने घर में कुछ भी करिए, ठीक है, हंसते रहिए बस। तो मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।